देखिए शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे जम्मू कश्मीर इकाई की तरफ से आज जो हमने पत्रकार वार्ता का आयोजन किया है वो नाचनाई नाचनाशरी के अंदर जो टोल प्लाजा है उसमें एकदम जो है दुगनी बढ़ोतरी कर दी गई है उसको लेकर है। देखिए जम्मू कश्मीर की जनता पहले ही महंगाई से जूझ रही है, बेरोजगारी से जूझ रही है, उस पर जनता राहत की उम्मीद लगाए बैठी थी, मगर दुर्भाग्य है कि जो भी जनता मांग कर रही है सरकार बिल्कुल जनता के विपरीत फैसले लिए जा रहे हैं। जनता मांग कर रही थी टोल को खत्म करने की, टोल मुक्ति की मांग कर रही थी, मगर लगातार सरकार जो है टोल के अंदर अड़ी हुई है और टोल की दरों में लगातार बढ़ोतरी की जा रही है। पहले ही हम लोग पिस रहे हैं बिजली की दरों में बढ़ोतरी से, पानी की दरों में बढ़ोतरी से, हमारे ऊपर संपत्ति कर की तलवार लटक रही है। हाल ही के अंदर आपने देखा है कि दुकानदारों के जो है लाइसेंसों के दरों के अंदर बढ़ोतरी कर दी गई, रेड़ी वालों के लाइसेंस की दरों में बढ़ोतरी कर दी गई। तो लगातार जो जनता परेशान है पिछले 4-4.5 सालों से, उस पर लगातार जो है सरकार का राजस्व वसूली का मोह जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। तो जम्मू कश्मीर की आवाम राजस्व वसूली की चक्की में लगातार पिसती जा रही है। जम्मू से अगर कटरा तक की बात करें तो यहाँ पर 3 टोल प्लाजा हैं। 2019 से पहले मात्र 1 टोल प्लाजा हुआ करता था और ये सड़क मार्ग सबसे ज़्यादा श्री माता वैष्णो देवी आने वाले श्रद्धालुओं के लिए इस्तेमाल होता है। तो शिवसेना आज ये मांग करती है कि जम्मू कश्मीर जो कि केंद्र शासित प्रदेश है, और जम्मू कश्मीर ही एक ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जहाँ पूरे देश के मुकाबले जितने भी देश के अंदर केंद्र शासित प्रदेश हैं सबसे ज़्यादा टोल वसूली और टोलों की संख्या, टोल प्लाजा की संख्या वो जम्मू कश्मीर के अंदर है। इस बढ़ोतरी को जल्द से जल्द रोल बैक किया जाए, नहीं तो शिवसेना जो है वो सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर होगी।